ना अफवाहें ना सनसनी ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। कौन कौन है घोटाले के मुख्य किरदार, हुई अब तक कितनी गिरफ्तारियां? दिल्ली में नई शराब नीति नवंबर 2021 में आई थी, उसे जुलाई 2022 में समाप्त कर दिया गया था। पूरे मामले को संक्षेप में समझे तो इल्ज़ाम ये है कि इस तरह ठेके दिए गए और लाभ दिया गया कि उससे पैसे की रिकवरी हो और चुनाव प्रभावित किए जाएं। इसमें अनेक एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। इल्ज़ाम है कि 580 करोड़ का खजाने का नुकसान हुआ और इससे 292 करोड़ रुपये उठाया गया, उसे जेब में रखा गया या चुनाव में लगाया गया। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने एक रिपोर्ट कंपाइल करके लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना को जुलाई 2022 में सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि जिस तरह से नई शराब नीति आई है उसके अंदर विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। शराब के व्यापारियों को अनुचित लाभ दिए जाने की एवज में क्या मिला? उससे धन मिला और उसका इस्तेमाल अपने गोवा और पंजाब के 2022 के चुनाव में किया। इस रिपोर्ट में ये सारे इल्ज़ाम लगाए गए। इस रिपोर्ट को एलजी ने सीबीआई को रेफर कर दिया। सीबीआई ने अपनी कार्रवाई की और एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के साथ ही के कविता की भी हुई गिरफ्तारी। फिर से पुरानी वाली नीति कर दी गई लागू। 1 सितंबर 2022 से नई शराब नीति को हटाकर फिर से पुरानी वाली नीति को लागू कर दिया गया, लेकिन तब तक गेंद सीबीआई और ईडी के पाले में जा चुकी थी। पहले तो सीबीआई ने 27 सितंबर 2022 को शराब घोटाले केस में विजय नायर को गिरफ्तार किया, फिर बारी प्रवर्तन निदेशालय की थी। 30 नवंबर 2022 को ईडी ने मनीष सिसोदिया के करीबी दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया। यह सिलसिला चलता रहा और अब इसकी चपेट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आ चुके हैं। अब तक कितनों की हुई गिरफ्तारी? 27 सितंबर 2022 को सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया। अगले दिन ईडी की तरफ से समीर महेंद्र पर एक्शन हुआ। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से घंटों पूछताछ की और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया। सीबीआई के बाद ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के सरकारी आवास पर छापा मारा, फिर बाद में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के पीछे दिनेश अरोड़ा की गवाही है, जिन्हें ईडी ने एक साल पहले गिरफ्तार किया था। ईडी ने अपने चार्जशीट में आरोप लगाया कि दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस मीटिंग में संजय सिंह भी मौजूद। 15 मार्च 2024 को तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया गया। 21 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कौन कौन है इसके मुख्य किरदार? दिल्ली के तत्कालीन आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व एक्साइज कमिश्नर एजी कृष्णा, पूर्व डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद तिवारी, पूर्व असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर पंकज भटनागर, ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर, परनोड रिकॉर्ड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय, ब्रिडको सेल्स डायरेक्टर अमनदीप ढाल, इंडो स्प्रिट्स ग्रुप के एमडी समीर महेंद्रू, बड़ी रिटेल के डायरेक्टर अमित अरोड़ा, महादेव लिंकर्स के ऑथराइज सिग्नेटरी दिनेश अरोड़ा, अरुण रामचंद्र पिल्लई, अर्जुन पांडे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।